हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बताएंगे। उसके लिए हमने देखिए ये 9 नंबर सिलाई ली हुई है और हमने दोनों कलर से 8 8 फंदे डाले हुए हैं। देखिए 8 फंदे हमने येलो से डाले हैं और 8 हमने ब्लू से डाले हुए हैं। और हमने जिस तरह से हम शुरू से बनाए हैं उसी तरह हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसको बनाना बहुत आसान है और जल्दी ही बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो इस तरह की हम पट्टी बताएंगे आपको और मैं आपको ये शुरू से ही बता रही हूँ किस तरह से हमने बनानी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम इसको शुरू से ही आपको बता रहे हैं। दोनों तरफ हमारे 8 8 फंदे हैं। देखिए सारे 16 फंदे हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप ज़्यादा फंदे ले सकते हैं। तो देखिए ये 8 फंदे हमने ब्लू से बनाने हैं और ये हमने ये फंदे देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। ब्लू वाले फंदे हमने येलो से बनाने हैं 8 फंदे। देखिए हम इस तरह से कलर चेंज कर रहे हैं, ये देखिए 4 5 6 7 8। ब्लू वाले फंदे हमने येलो से बनाए हैं और येलो वाले फंदे हम ब्लू से बनाएंगे 8 फंदे। ये देखिए इस तरह से। ये हमने आपको पहले भी बताई हुई है, ये मेरे को कमेंट आया था कि मैं दोबारा से आपको बताऊं। तो देखिए ये शुरू से ही मैं आपको बता रही हूँ। सीधी सिलाई में पहला फंदा उतारना है और जो फंदे जैसे हैं उसी तरह से बनाने। ये 8 फंदे ब्लू से बना लिए और 8 फंदे येलो से बनाएंगे। इस तरह से धागा पीछे और ये वाला धागा आगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से। और उल्टी तरफ से हमने डिजाइन को बनाना है। तो हम पहला फंदा उतारेंगे ये देखिए। ये 2 येलो के फंदे हमने ब्लू से बनाने हैं। देखिए आगे की तरफ पत्ती को बढ़ा रहे हैं इस तरह से। येलो के ब्लू से बना लिए हैं 2 फंदे। सीधी सिलाई जो जैसा फंदा है उसी तरह बना लेंगे। तो चलिए हम ये सीधी सिलाई को बना लेते हैं। फिर से सीधी सिलाई पे हैं। पहला फंदा उतारा, धागा आगे। ये देखिए ये धागा हमने इस तरफ करना है और ये 2 ब्लू से बना लेंगे। ये देखिए बस इतना ही हमने इसमें इसी तरह से पट्टी को बनाते हुए जाना है। ये देखिए बिल्कुल आसान है। अब ये 2 फंदे और बना लेंगे। 2 फंदे इसी तरह से रहने देंगे। देखिए किस तरह से सीधी सिलाई को इसी तरह बना लेते हैं। तो देखिए सीधी सिलाई और ये 4 फंदे। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए पहला फंदा उतार के ये देखिए 2 फंदे हमने येलो से बना लिए। ये देखिए 6 फंदे हमने अब ब्लू से ही बना लिए हैं येलो के। तो देखिए आगे की तरफ हमने पत्ती को बढ़ा लिया है। अब इसी पत्ती को हम कम करेंगे उसी तरह से। 6 फंदे हम
ये देखिए दो फंदों तक हमने, ये देखिए दो फंदों तक हमने, दो फंदे हमारे पास येलो के बचे हैं और छह फंदे हमने ब्लू से भी बढ़ा लिए हैं। अब इसी तरह से हम छह फंदे ये येलो वाले इधर ले जाएंगे यहाँ तक ही उसी तरह से। तो देखिए सीधी सिलाई को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो देखिए हम दो फंदे ब्लू सॉरी येलो के इसी तरह रहने देंगे और पहला फंदा हमने उतारा। अब ये देखिए हम छह फंदे इसी तरह बढ़ा लेंगे येलो के इस तरह से। देखिए चार फंदे हो चुके हैं। इसी तरह से हमने ये पत्ती को बनाते हुए जाना है। ये देखिए दोनों तरफ हमारे बराबर फंदे हो जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे ये छह फंदे हो चुके हैं। अब दो फंदे और लेंगे तो आठ फंदे हमारे दोनों तरफ उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह से हमने डाले हुए हैं। इसी तरह से हमने इस पत्ती को बनाया है। सीधी सिलाई हम उसी तरह बना लेंगे जो जैसा फंदा है। तो देखिए हमारे पास आठ फंदे हो चुके हैं। ये देखिए हमारी पत्ती भी बनके कंप्लीट है और दोनों तरफ हमारे बराबर बराबर फंदे हो गए हैं। ये देखिए तो हमने आपको इसमें एक ही पत्ती बना करके बताई है। ये देखिए सेम उसी तरह से बनी है जिस तरह से हमारी ये बनी हुई है। तो देखिए इस तरह से और काफ़ी सुंदर लग रही है। अब ये देखिए हम सीधी सिलाई उतार लेंगे और यहीं से सारे फंदे उल्टी तरफ से बंद कर देंगे। सीधी सिलाई को बना लेते हैं और उल्टी तरफ से सारे फंदे बंद कर देते हैं, फिर दिखाते हैं आप। सारे फंदे घटा दिए और देखिए इस तरह से ये पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमने दोनों पार्ट पहले से ही बना के रखे हुए हैं और हमने इनकी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जो ये पत्ती हमने बनाई हुई है ये बिल्कुल ही आसान है। हमने यहाँ से 22 फंदे डाले हैं, 22 फंदे डाल के हम दो दो फंदे छोड़ते हुए गए हैं जो भी हम पत्ती बनाते हुए गए। ये बिल्कुल आसान है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम किस तरह से इन पत्तियों को जोड़ेंगे। ये देखिए इन पत्तियों को हम इस तरह से रखते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए अब इस पत्ती को हम उल्टा करेंगे और ये पत्तियाँ भी हमने उल्टी करनी है और इसके बाद हम दोनों पत्तियों को सिलाई करेंगे। तो देखिए ये पत्तियां हमने सभी को उल्टा रखा हुआ है। अब ये देखिए हम यहाँ से इस तरह से हर चैन में से निकालते हुए सिलाई कर लेंगे और दोनों हमने इसी तरह से सिलाई करनी है दोनों पत्तियों की।
और देखिए आसान तरीके से एकदम डोरमेट बनके कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको बड़ा भी बना सकती हैं ज़्यादा फंदे लेकर के। ये देखिए हर चैन में से निकालते हुए सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से तो चलिए हम इसी तरह से सभी की सिलाई करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स हमने सिल लिया है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप डोरमेट बना सकते हैं। ये देखिए और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए और आप इसके ऊपर कोई भी कलर के पॉम पॉम्स लगा लें इस तरह से। ये देखिए ये देखिए तो हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।